ओके सो हाय, कैसे हैं आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना सिनेमैटिक वीडियो वायरल कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे इंस्टाग्राम में जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अपनी आईडी में, उसमें मेरे को अच्छा खासा लाइक एंड व्यूज़ देखने को मिलता। अच्छा क्या, बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो वायरल होता है। जैसे कि कई कई वीडियो तो मेरा 10 मिलियन भी व्यूज़ लेके आया है। तो आप लोग को मैं ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप लोग अपना सिनेमैटिक वीडियो वायरल कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं खुद की एक्सपीरियंस से आप लोग को ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ और ये सारे फॉलोवर्स मैंने यार कुछ ही टाइम में गेन करा है। तो आप लोग ज़रूर समझ सकते हैं कि यार मैं आप लोग को कुछ अच्छा ही बताऊँगा आप लोगों के लिए, और बहुत ही कम यूट्यूब पर ये चीज़ें आप लोग को लोग बताते हैं। तो मैं खुद की एक्सपीरियंस से आप लोग ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो यार प्लीज़ लास्ट तक देखना और स्किप करके मत देखना। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टिप्स की तरफ। सो देखो, जो हमारा पहला टिप्स है उसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना ही चाहिए। अगर आप लोगों ने सोच ही लिया है कि मुझे सिनेमैटिक वीडियो में ही काम करना है, तो भाई एक अच्छा फ़ोन ले लो। देखो, अगर आप लोग के पास अच्छा पैसा है और आप लोगों ने काफ़ी सारा बजट बना के रखा है, तो यार देखो आप लोग आईफोन परचेज़ कर सकते हैं। आईफोन जैसा क्वालिटी आपको कोई फ़ोन नहीं दे सकता है, और चाहें तो यार आप लोग सेकेंड हैंड भी आईफोन बाय कर सकते हैं। आप लोग को ईजिली 20K ऐसा कुछ आसपास में मिल जाएगा। एंड फिर भी आप लोग के पास अगर पैसा नहीं है यार, तो आप देखो एंड्रॉयड से काम चला सकते हैं। आप कोई अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन ले लो जिसमें स्टोरेज अच्छा रहना चाहिए। 128 अगर आप लोग के पास कम पैसे हैं तो 128 GB वाला ले लो। एंड कैमरा क्वालिटी बढ़िया रहनी चाहिए जिसमें आप लोग वीडियोग्राफी करें, तो वो अच्छा करके दे आपको। तो जब भी फ़ोन ख़रीदने जाना तो YouTube पे जाके सर्च कर लेना वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट फ़ोन, ऐसा कुछ जो भी आप लोग को चाहिए उस वो आप लोग को YouTube पे सर्च करना है, और जो भी फ़ोन आपको बेस्ट लगता है आप लोग को बाई कर लेना। क्योंकि देखो, वीडियो एडिटिंग के लिए फ़ोन भी अच्छा होना चाहिए और स्टोरेज ज़्यादा ही लेना, जिससे कि आप लोग अगर कैपकट में एडिट वगैरह करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। एंड बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे टिप्स की तरफ। दूसरा टिप्स हमारा यही रहेगा कि जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो सिनेमैटिक वीडियोज़ बनाते हैं, उनको आप फॉलो करो एंड उनकी वीडियो में देखो कि वो किस तरह की लोकेशन पे जाके इस तरह का सिनेमैटिक वीडियो बनाने जाते हैं। एंड उसके बाद आप लोग खाली समय में बैठो एंड सोचो कि ऐसा लोकेशन मेरे यहाँ कहाँ हो सकता है, और आप लोग को जरा भी उस बंदे से मैच करता आपका लोकेशन तो फटाक से चले जाओ वहाँ पे और जाके वीडियो को शूट कर लो। आप लोग का सेम कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, सेम एडिटिंग हो जाएगा। तो आप लोग को स्टार्टिंग पे इन चीज़ों को फॉलो करना, और इन चीज़ों को मैंने भी बहुत ज़्यादा फॉलो करा है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो ये बेस्ट तरीका है। आप लोग को ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनके अच्छे खासे लाइक वगैरह आए हैं उनकी लोकेशन को देखो, और आप लोग अपनी यहाँ की लोकेशन को थोड़ा सा मैच कर लो कि हाँ ये उससे मिल रही है, जाके फटाक से वीडियो को बना लो। वो ट्रेंडिंग भी हो जाएगा क्योंकि उसका वीडियो वायरल हुआ है, और आप लोग का सेम लोकेशन हो जाएगा थोड़ा सा, तो वायरल भी हो सकता है। तो ये चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। एंड बढ़ते हम लोग अपने तीसरे टिप्स की तरफ। सो देखो, तीसरा जो हमारा टिप्स है, तो देखो यार कपड़े भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं सिनेमैटिक वीडियोज़ के लिए। क्योंकि जब हम लोग सिनेमैटिक वीडियोज़ शूट करने जाते हैं, अगर आप लोगों ने ऐसे कपड़े पहन रखे जो ओल्ड फैशन थी, तो यार देखो वो वाइब भी नहीं आती सिनेमैटिक वीडियो में जो अभी वाइब चल रही है। तो आप लोग को ऐसे कपड़े ले लेना जैसे कि डाउन शोल्डर ओवरसाइज टी शर्ट आप लोग को पहना। आप लोग चाहें तो बैगी जीन्स पहन सकते हैं। अगर आप लोग को बैगी जीन्स पसंद नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जीन्स ले लेना, लेकिन उसको फिटिंग वगैरह मत करवाना कि भाई आप जैसे कि पहले ओल्ड फैशन पे चलता था, तो उस तरीके से आप लोग को कटिंग वगैरह कहीं से नहीं करना। नॉर्मल जो आपने जीन्स लिया उसको पहनो, खाली जो आपकी कमर का साइज़ रहेगा उसको मतलब कि हिसाब का ले लो जो आपका साइज़ है, नीचे वगैरह कहीं से मत कटवाओ। ऐसे जीन्स पहनो आप लोग, और ओवरसाइज ढीले ढीले कपड़े पहनो। एंड अभी तो सर्दी आने वाला, तो उस टाइम आप लोग हुडीज़ पहन सकते हैं एंड स्वेट शर्ट पहन सकते हैं प्रिंटेड वाली। और जो आप ओवरसाइज टी शर्ट लेंगे ना, थोड़ा प्रिंटेड वाली लेना, ज़्यादा ओवर भी मत लेना, नॉर्मल लेना जैसे कि आप लोग मेरे को देखे होंगे। तो इस तरीके से आप लोग को कपड़े थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। देखो, जब हम सिनेमैटिक वीडियो अगर सोच ही लिया आप लोगों ने कि बनाना मुझे चाहिए, तो थोड़ा बहुत आप लोग खर्चा कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा भी नहीं आता। 200-250 रुपये में आप लोग को ईजिली टी शर्ट मिल जाती हैं, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। और फिर भी आप लोग ये नहीं कर पा रहे, देखो आप लोग आपका बड़ा भाई होगा उसका आप लोग शर्ट डाल सकते हैं, तो वो जीन्स या फॉर्मल पैंट भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा ओपनिंग बता रहा हूँ मैं अपने तरीके से, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फॉलो करा है। उस ये चीज़ आप लोग फॉलो करना, ये एक अलग ही वाइब लेके आता है। जब आप सिनेमैटिक वीडियो शूट करने जाओगे तो मस्त मज़ा आता है, एक अलग ही मतलब कि सुकून मिलता है। एक तो लोकेशन होगी, दूसरा आपके कपड़े मैटर करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करना। एंड बढ़ते हम लोग अपने चौथे टिप्स की तरफ। सो देखो, जो हमारा चौथा टिप्स रहेगा उसमें मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग एडिटिंग जितना ज़्यादा हो उतना सीखने की कोशिश करो। आजकल इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट वीडियो डालते हैं, शॉर्ट में सिखा देते हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो करो। एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारे एडिटर हैं, उनको सब्सक्राइब करके रखो एंड उनसे भी सीखो। एंड कुछ अगर मैं बताता हूँ तो मेरे भी टिप्स फॉलो करो।
और सबसे बेस्ट मैं यही बताऊंगा, जब भी आप खाली टाइम पे बैठते हैं तो आप लोग कैपकट का यूज़ करो, उसमें इफेक्ट देखो भाई क्या क्या इफेक्ट आए न्यू और कुछ अपनी तरीके से आप ट्राई करो। एंड अगर आप लोग किसी बंदे का वीडियो देखा और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इसने क्या यूज़ करा, आप लोग जाके यूट्यूब पर सर्च करें, आप लोग को वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप लोग यहाँ ने कि एक एक करके कैपकट में चेक करो कि वो वैसा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो ये एक बेस्ट तरीका, जितना ज़्यादा आप लोग एप्लीकेशन में घुसोगे सीखोगे उतना ज़्यादा आपकी एडिटिंग लेवल और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बढ़ेगा। तो भाई बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट टिप्स की तरफ। सो लास्ट जो हमारा टिप्स है भाई, देखो क्वालिटी, अगर आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं तो भाई सब कोई लाइक करेगा, अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो भाई सब कोई लाइक नहीं करने वाला है। आप लोग भी इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, किसी का डाउन क्वालिटी आता तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको पसंद ही नहीं आता। और जिसका अच्छा क्वालिटी रहता, अच्छा लोकेशन रहता, अच्छा कपड़ा रहता तो आप लोग फटाक से लाइक कर देते कि भाई बंदा क्या लग रहा है, क्या एडिट करा है। सो हाई क्वालिटी में एडिटिंग करो एंड हाई क्वालिटी में अपलोड करो, ठीक है। अच्छे डेली वीडियो अपलोड करो, या फिर आप लोग सुबह के टाइम डाल सकते हैं, एक टाइम पकड़ लो शाम या सुबह। अभी स्टार्टिंग पे आप लोग एक ही वीडियो अपलोड करो एंड जब थोड़ा सा ग्रोथ मिलती तो आप डबल वीडियो कर सकते हैं, आपका वीडियो 100% वायरल होगा। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या फिर मैंने आप लोग को मोटिवेशन करा या नहीं करा, तो जो भी है कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपका कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन करता है कि भाई नेक्स्ट वीडियो भी बनाओ, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो जो भी आपको अच्छा लगा। बाकी चलते हैं इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।